हमने गायत्री मौसी को भी देखा, हर वक्त चिंता कर रही थी कि ये करूं वो करूं। बहू लाने का अवसर था देखना, सच में अब क्या लगता है तेरा। और मैंने गायत्री मौसी को भी देखा, कितनी चिंता कर रही थी तेरी, ये करूं वो करूं। सच में बहू लाने का उत्तम था देखने बनता था। लक्ष्यू तू तो इतने अच्छे घर में गई है ना, मुझे तो लगता है मेरी लॉटरी लग गई। अच्छा दीदी लगता है क्योंकि आ गया है। कार्तिक होंगे। अच्छा अच्छा मैं रखती हूँ। हाँ अब मैं कबाब पैक देके बनूंगी। सच में सुंदर लग रहा है, लोगों का खीर चल रहा है जैसे। छोटी थी तो सबसे ज्यादा मजा मुझे सौर मंडल बनाने में ही आता था। चलो याद है कि 9 ग्रह होते हैं, आज सुबह अर्चना देखेगी तो खुश हो जाएगी, आदि जी को भी अच्छा लगेगा। मॉडल बना रही है और मैं बेड पे फोन चला रही हूँ। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मम्मी कैसा बना रही है, जो भी जैसा भी बनाएंगे मैं स्कूल में जाके सबमिट कर दूंगी। और फिर उतने में मम्मी को लक्ष्मी दीदी की याद आती है, तो वो लक्ष्मी दीदी के साथ फ़ोन में बिजी हो जाते हैं और मैं सोचती हूँ कि ये करते रहेंगे ये फ़ोन पे बिजी, अब मैं क्या ही करूँ, और मैं चली जाती हूँ। और आगे क्या देखने को मिल सकता है? आगे यही कि मैं फिर आगे शायद ये होगा कि मैं स्कूल जाती हूँ तो इस प्रोजेक्ट्स के क्या रिव्यू मिलते हैं, तो फिर वो फिर हम घर आएंगे प्रोजेक्ट के बारे में देखेंगे कि क्या रिव्यू मिला। फिर पापा के साथ मैं स्कूल जा रही हूँ, मैं ये भी बता देती हूँ, तो फिर यही होगा रिव्यूज़ के बारे में ही चलेंगे और उतना आगे तो अभी नहीं पता है। सो चलो देखते हैं क्या होता है। क्या कहना, मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी स्टार्ट हो रही है, क्योंकि अब लक्ष्मी दीदी की शादी हो चुकी है तो अब बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी लाइन्स आएंगी, शो को देखने में बहुत मज़ा आएगा। सो हमारा शो ज़रूर देखना और आप ही सबके प्यार की वजह से हमारे 100 एपिसोड्स कंप्लीट हुए थे और अब हम और आगे करते जाएंगे, शो रुकना नहीं चाहिए। तो बहुत सारा प्यार दीजिए जैसा देते हैं और ज़्यादा प्यार दीजिए ताकि हम बहुत अच्छे से करें सब कुछ।